वेलकम बैक। रेडमी 30C 5G, मैंने इस फोन को बाय कर लिया ऑफलाइन 12,500 में और इस प्राइस पर आपको जितने भी फोन मिल रहे हैं स्पेशली 5G, उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। बाकी ये जो फोन है रेडमी 30C 5G, इस फोन में आपको 11 5G के बैंड मिलते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं जो आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने 5G का स्पीड टेस्ट भी किया है और भी इस फोन के बारे में चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी इस फोन को यूज करते हुए मुझे 48 घंटे हो चुके हैं और 48 घंटे यूज करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, फोन के अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें खराब हैं और किसके लिए फोन बना, किसके लिए नहीं बना, ये रहा फोन का बिल। अपने पैसों से मैंने बाय किया, किसी भी कंपनी ने मुझे ये फोन नहीं भेजा है। अनबॉक्सिंग की बात करें तो सबसे ऊपर फोन मिलेगा, उसके नीचे सिम जैक, टपिन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, 10 वॉट का चार्जर और टाइप सी की केबल। लेकिन फोन जो है वो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और कवर आपको बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता और यही कुछ आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी जब मैंने फोन को फर्स्ट टाइम रैपर में से बाहर निकाला, फर्स्ट इंप्रेशन वाओ, क्योंकि भाई फोन का जो डिजाइन वो बहुत ही प्रीमियम था। प्लास्टिक बैग के साथ आपको देखने को मिलता है, साइड की फ्रेम भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी, लेकिन फोन बिल्कुल भी चीप नहीं लगता। एक प्रीमियम बिल्ड जो है इस फोन को बनाने में यूज किया Redmi ने, एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस फोन को बनाने में यूज किया, कहीं से फोन दबता नहीं है, कोई हिंजेस आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेंगे और जो डिजाइन है वो भी आप लोगों को देखने में काफी बढ़िया लगता है। फोन को जब मैंने हाथ में पकड़ा, एक प्रीमियम बाय बाय और लग रहा था कि भाई आपने 15 से 20 हज़ार का जो फोन है वो हाथ में पकड़ा हुआ है, तो कोई ऐसी दिक्कत मुझे बिल्ड में देखने को नहीं मिली। और जो डिजाइन है, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, एक साइड से आप लोगों को जो क्रिस्टल लाइंस हैं वो देखने को मिलेंगी और दूसरी साइड से आपको क्रिस्टल डॉट देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से, जो देखने में काफी बढ़िया भी लगती है। बाकी बॉक्सी डिजाइन है तो हाथ में जो ग्रिप है वो भी अच्छा बन जाता है, कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई ये 10 से 12 हज़ार का फोन है। फोन को देखने में और हाथ में पकड़ने पर ऐसा लगा कि भाई 15 से 20 हज़ार का ये जो फोन है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी बिल्ड और डिजाइन के मामले में प्राइस के हिसाब से फोन काफी बढ़िया है। ऊपर की साइड में आपको हेडफोन जाएगा, गड्ढा भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। बाकी इस फोन में आप लोग 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। वेट बैलेंस भी Redmi ने अच्छे से मैनेज किया है, 196 ग्राम फोन का वेट है। बाकी इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 10 वॉट का ही चार्जर देखने को मिलेगा और फोन को पूरा फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। बाकी इस फोन में सिंगल स्पीकर है तो आवाज कुछ ऐसी सुनेगी। तो सब प्राइस के हिसाब से स्पीकर की क्वालिटी है बहुत ही लो आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर ऐसा भी नहीं बोल सकता कि आपको डिसेंट स्पीकर मिलते हैं, उससे भी कम जो साउंड है, लाउडनेस है, इस स्पीकर की आपको देखने को मिलती है। और 12-13 हज़ार के अंदर कई कंपनीज ऐसी हैं जो आपको ड्यूल स्पीकर भी दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाउडनेस है स्पीकर की बहुत ही लो है, डिसेंट से भी नीचे आपको लाउडनेस मिलेगी। तो स्पीकर के मामले में ये फोन कट। हैप्टिक भी आपको इस फोन के डिसेंट देखने को मिलते हैं, वाइब्रेशन फीडबैक भी आपको एवरेज सा देखने को मिलेगा और जो वाइब्रेशन वो आपको टक टक की देखने को मिल जाती है, लेकिन जो फीडबैक है वो बजट के हिसाब से बढ़िया है। फोन को फर्स्ट टाइम बूट किया और मुझे देखने दे बूटवेयर, तो भाई आप लोगों को 12 से 13 एप्स ऐसे अनवॉन्टेड और जो हॉट गेम्स, हॉट एप्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो किसी काम के नहीं है, तो बूटवेयर आपको इस फोन में भर भर के देखने को मिलेगा। लेकिन सभी एप्स को अनइंस्टॉल करने के बाद भी कुछ एप्स ऐसी बच जाती हैं जो आपके किसी काम नहीं आती, बट उनको आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो क्लीन एक्सपीरियंस है सारी अनवांटेड एप्स को डिलीट करने की वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी MIUI 14 आपको आउट ऑफ बॉक्स इस फोन में देखने को मिलता है Android 13 के साथ, जो आप लोगों को भाई नॉर्मल सा एक्सपीरियंस दे देगा बजट के हिसाब से। बाकी इस फोन में आप लोगों को MI का डायलर देखने को मिलता है, तो आप लोग बिना किसी को सुनाए आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको कॉल रिकॉर्डिंग में देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो मैसेज एप्लीकेशन है वो आप लोगों को गूगल और MI की दोनों की देखने को मिलती है, जो आप लोग यूज करना चाहे वो आप लोग कर सकते हो। बाकी इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जिसकी स्पीड आपको एवरेज मिलेगी प्राइस के हिसाब से, ना ही बहुत ज्यादा फास्ट है ना ही बहुत ज्यादा स्लो है। मैंने इंडोर आउटडोर सभी कंडीशन में कई बार टेस्ट किया, सिंगल टच के ऊपर ओपन हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत आपको फिंगरप्रिंट में नहीं मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.74 इंच की फुल HD फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है और वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलेगी। और 2024 के अंदर जाकर के वाटर ड्रॉप नॉच थोड़ी सी ऑड लगती है, काफी सारे ब्रांड भाई 5-6 हज़ार के अंदर ही आपको पंच होल दे रहे हैं, लेकिन Redmi ने भाई 12 से 13 हज़ार के अंदर आप लोगों को जो वाटर ड्रॉप नॉच दी है, लेकिन भाई थोड़ा सा आपको यहां पर ऑड लगेगा डिस्प्ले के मामले में। बाकी वाइड 1L1 का सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग Amazon, Netflix के ऊपर जो कंटेंट है वो HDMI स्ट्रीम कर सकते हो और YouTube के ऊपर आप लोग जो 2K में कंटेंट है वो प्ले कर पाओगे, कोई इशू नहीं होगा, कोई लैग फोन नहीं करता। बाकी इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है, 600 nits तक आपको उसकी पीक ब्राइटनेस मिलती है। मैंने इंडोर आउटडोर में टेस्ट किया, कोई ऐसा डिस्प्ले का इशू नहीं मिला, लेकिन
लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में हल्की सी प्रॉब्लम आपको डिस्प्ले में देखने को मिल सकती है। बाकी डिस्प्ले के कलर, सैचुरेशन, ब्राइटनेस का टेस्ट किया, कलर्स आप लोगों को काफी प्रीमियम देखने को मिलेंगे, ब्राइटनेस सैचुरेशन भी अच्छे से एडजस्ट है, कोई ऐसा इशू मुझे देखने को नहीं मिला। 90Hz का रिफ्रेश रेट है तो काफी स्मूथ स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस है वो डिस्प्ले के मामले में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चिन और बेजल्स भी आप लोगों को डिस्प्ले के बजट के हिसाब से बढ़िया मिलते हैं, लेकिन जो बॉटम साइड का बेजल है वो आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इनको रेडमी थोड़े और छोटे कर सकता था इस प्राइस रेंज के ऊपर। बाकी ऐसी कोई दिक्कत मुझे डिस्प्ले में देखने को नहीं मिली। प्रोटेक्शन की बात करें तो इस फोन की स्क्रीन में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, तो फोन अगर आपका कहीं नीचे गिर भी जाता है तो आपको टूटने के चांसेस हैं वो थोड़े कम देखने को मिलेंगे। बट मैं यही बोलूंगा कि फोन के ऊपर कवर और एक अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगा के रखना, कब फोन की डिस्प्ले टूट जाए कोई पता नहीं होता। बाकी 48 घंटे यूज करने के बाद मुझे डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली और मैं इस फोन को लंबे टाइम तक यूज करूंगा। इस फोन का डेडिकेटेड पूरा फुल रिव्यू भी आएगा तो उसका वेट करो, उसमें जाकर के आप लोगों को डिस्प्ले में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली मुझे लंबे टाइम यूज करने का वो सब आपको उसमें बताऊंगा। लेकिन 48 घंटे यूज करने के बाद डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो इस फोन में आपको 11 5G के बैंड देखने को मिलते हैं और उनमें जो मेजर 5G का बैंड है N77 वो आपको मिसिंग देखने को मिलता है। और उसके बाद मैंने इसका 5G का स्पीड टेस्ट भी किया जियो की सिम लगा करके, तो कोई ऐसा नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली। 500 Mbps आपको डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी 500 Mbps से ऊपर, और 10 से 15 Mbps के बीच में आपको जो अपलोडिंग स्पीड है वो देखने को मिल जाती है, और सेम यही स्पीड में एक को मेरे आईफोन के अंदर भी देखने को मिलती है। N77 बैंड मिसिंग है लेकिन कोई ऐसी दिक्कत आपको नेटवर्क में नहीं है। कैमरास की बात करें तो यहां पर आपको इतना मजा नहीं आएगा। इस फोन में आपको बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप मिलेगा जहां पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का AI कैमरा और फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। 12 से 13 हजार रुपए का ये फोन है और 5 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको इस फोन में देखने को मिलती है। बाकी मैंने इंडोर आउटडोर में हल्का फुल्का कैमरा को टेस्ट भी किया, ये रहे कुछ कैमरा सैंपल। एवरेज डिसेंट कैमरा आपको देखने को मिलता है। अगर आप लोग स्टडी पर्पज के लिए इस फोन को ले रहे हो, कैमरा उसी के लिए यूज करना है तो आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन अगर आपको हाई एंड फोटोग्राफी करनी है, अच्छी वीडियो कैप्चर करनी है तो वो आप लोग इस फोन से नहीं कर सकते। नॉर्मल फोटोज खींचनी है तो वो आप लोग इस फोन से कर पाओगे। बाकी बैक कैमरा से आप लोग 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट कैमरा से आप लोग 720p में जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी एवरेज कैमरा देखने को मिलेगा, आपका काम चल जाएगा, रुकेगा नहीं, ऐसा कैमरा आपको इस फोन का देखने को मिलता है। और 12 से 13 हजार रुपए के अंदर इस फोन का कैमरा बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। बाकी मैंने इस फोन में सेंसर वगैरह का टेस्ट भी किया तो इस फोन में आपको जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप लोग BGMI खेलते हो जायरो में तो वो आप लोग इस फोन में नहीं खेल सकते। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग निराश नहीं होंगे। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 6100 Plus का 5G प्रोसेसर मिलता है और जितने भी बजट में 5G आ रहे हैं उन सब में आपको यही चिपसेट देखने को मिल रही है और काफी पावरफुल चिपसेट है प्राइस के हिसाब से। बाकी अंतु स्कोर का टेस्ट किया तो 3,50,000 के आसपास के अंतु स्कोर आपको देखने को मिलते हैं। LPDDR4X की रैम देखने को मिलेगी, UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, तो रीड और रेड स्पीड भी आप लोगों को अच्छी देखने को मिलती है। 1GB फाइल कट कॉपी पेस्ट करने में आपके 10 से 12 सेकंड लग जाएंगे। इनफैक्ट मैंने इसमें अंदर गेमिंग भी ट्राई की तो यहां पर मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। BGMI आप लोग HD हाई के ऊपर खेल सकते हो, उसके हाई ग्राफिक और स्मूथ और अल्ट्रा यानी कि 40fps का गेम प्ले आप लोग आराम से कर सकते हो, लेकिन जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप लोग जायरो में गेम प्ले करना चाहते हो BGMI तो वो आप लोग इस फोन में नहीं कर सकते। बाकी MIUI 14 और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, काफी सारे फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। जल्द ही इस फोन के फीचर्स की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपके डेली लाइफ के जो भी काम है वो अच्छे से ये फोन हैंडल कर लेगा। इस फोन को मैंने 48 घंटे यूज किया और इन 48 घंटों में मैंने इसमें सोशल मीडिया, नेटवर्क और अपने जो पेमेंट एप्लीकेशन है सबको ट्राई किया, कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, एप्स को ओपन होने में हल्का सा टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, 1-2 सेकंड जो है वो एप्स को ओपन होने में लग जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी और इतना भी लैग मुझे देखने को नहीं मिला। आपका काम चल जाएगा, ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। प्राइस के हिसाब से इस फोन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, ये था Redmi 13C 5G का मिनी रिव्यू। 48 घंटे इस फोन को यूज कर रहा हूं, फोन के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं सब मैंने आपको बता दिए। बाकी ये फोन आपको 3 वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा, 4GB RAM, 6GB RAM और 8GB RAM के अंदर। और जो मेरे पास वेरिएंट है ये आप लोगों को 6GB RAM 128GB स्टोरेज का देखने को मिलता है। 12,500 मैंने खरीदा है, अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको 1,000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो ICICI कार्ड के ऊपर
देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग 11,500 में इसको खरीद सकते हो, लेकिन मैंने तो ऑफलाइन खरीदा है। बाकी इस फोन मुझे एक दिक्कत और ये भी लगी कि ये फोन काफी बड़े साइज का फोन है, तो सिंगल हैंड से यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मुझे पर्सनली आई तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। बाकी इस फोन को मैं लंबे टाइम तक यूज करूंगा और उसके बाद इस फोन का एक डेडिकेटेड पूरा फुल रिव्यू आपको देने वाला हूं कि भाई इस फोन को आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। बाकी 48 घंटे यूज करने के बाद प्राइस के हिसाब से फोन बढ़िया है, लेकिन कुछ चीजों में इस फोन में कमी है, जैसे कि सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है और फोन काफी बड़े साइज का है, चार्जिंग आप लोगों को 10 वॉट का बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। ये चीज सब मैंने आपको बता दी, तो आप लोग इन चीजों को देख करके अपना मन बना भी सकते हो और आपका मन खराब भी हो सकता है इस फोन को लेने के लिए। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन कौन इस फोन को बाय कर रहा है, किसने कर लिया, और हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।